मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 8. द चैप्टर नेम इज़ वायरलेस एंड क्लाउड टेक्नोलॉजी. व्हाट डू यू मीन बाय वायरलेस टेक्नोलॉजी? द टेक्नोलॉजी वेयर वी कम्युनिकेट, वेयर वी कनेक्ट टू कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विदाउट वायर्स. अगर हम किसी भी कंप्यूटर को किसी अदर कंप्यूटर से या किसी अदर डिवाइस से, लाइक फैक्स, प्रिंटर एक्सेट्रा, अगर हम उससे कम्युनिकेट या कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ वायर्स, दैट इज़ नोन एज वायरलेस टेक्नोलॉजी. नाउ वायरलेस टेक्नोलॉजी इज़ इनविजिबल होती है, यू कैन नॉट सी इट. इंटरलिंक्ड होती है, लिंक होता है उसमें यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायर्स उसमें यूज़ नहीं होती. अब ये तो कॉमन है कि अगर वायर यूज़ नहीं हो रही तो आपकी रेडिएशंस यूज़ होंगी. अब यहाँ पे हमारी रेडिएशंस बहुत सारी होती है, जैसे इंफ्रारेड हो गई, आपकी यूवी रेडिएशंस हो गई, माइक्रोवेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई और ब्लूटूथ हो गया. अब यहाँ पर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं इंफ्रारेड कम्युनिकेशन. ये जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशंस होते हैं ये आपके शॉर्ट रेंज के लिए वर्क करती हैं. शॉर्ट रेंज मीन्स शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लाइक रिमोट कंट्रोल. आपने देखा भी होगा रेड कलर की एक बीम निकलती है रिमोट कंट्रोल से. रिमोट कंट्रोल कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? जैसे आपके टीवी में हो गए, आपके एयर कंडीशंस में हो गए, ठीक है, एयर कंडीशनर हो गए, ये सब में आप यहाँ पिक्चर्स में देख सकते हैं. जो ये बीम निकलती है ये आपकी इंफ्रारेड कम्युनिकेशन होती है. इसमें इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है कि ये इसमें जो डिवाइसेस हैं लाइक क्लोज टू ईच अदर, इसमें डिवाइसेस बहुत ही क्लोज होने चाहिए, लाइन ऑफ साइट होने चाहिए. मतलब जिसमें आप दो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करवा रहे हैं जिन दो डिवाइसेस के बीच में, वो लाइन ऑफ साइट होने चाहिए, मतलब एक दूसरे को देख सकते होने चाहिए, एक दूसरे के आमने सामने होने चाहिए. नेक्स्ट है आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. इनसे आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे. ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जिसमें हम लोग अपने फ़ोन्स को किसी अदर फ़ोन से कनेक्ट करते थे टू ट्रांसफ़र द डेटा, फोटोज, सॉन्ग्स, वीडियोस, हम पहले ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ करते थे. ये भी आपके शॉर्ट रेंज है जिसमें आप PC, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीफोन, डिजिटल कैमराज, आजकल आप सेल्फी स्टिक्स वगैरह देखते हैं, MP3 प्लेयर्स देखते हैं, बॉडीगार्ड जो वो ईयरफोन्स लगा के रखते हैं वो भी आपके ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से सारे कनेक्ट होते हैं हमारे फ़ोन से. बट सम यूजेस ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी आर्स मेक कॉल्स फ्रॉम वायरलेस हेडसेट. कॉल्स के लिए हेल्प होती है. आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उस साइड पर आप ईयरफोन लगा के, तो वो भी आपके फ़ोन से ब्लूटूथ से ही कनेक्ट होता है. नेक्स्ट है एलिमिनेट केबल्स. सिंपल सी बात है, एलिमिनेट मीन्स निकलना, हटा देना. आपने केबल्स को हटा दिया, हुकअप कर दिया MP3 प्लेयर्स को. आजकल जितने भी आपके स्पीकर्स आ रहे हैं आप उसे अपने फ़ोन से ब्लूटूथ की हेल्प से कनेक्ट करते हैं. सेटअप होम नेटवर्क सो दैट पर्सन कैन रिमोटली मॉनिटर एयर कंडीशनिंग, ओवन, चिल्ड्रन इंटरनेट सर्फिंग. ब्लूटूथ से भी आप हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वो भी आपका इसी से हेल्प होता है. कॉल फ्रॉम होम और रिमोट लोकेशन. रिमोट लोकेशन मीन्स अगर आप कहने के लिए आप एक स्पेस पे, एक प्लेस पर हो लेकिन आप वर्क अदर प्लेस पे कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिमोट लोकेशन, तो वो भी आपका ब्लूटूथ से वर्क हो जाता है. इसका भी मेन डिसएडवांटेज क्या है, ये शॉर्ट रेंज के लिए काम होता है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए या लार्ज रेंज के लिए वर्क नहीं होता. नेक्स्ट कम टू वाईफाई टेक्नोलॉजी. जहाँ आजकल हम वाईफाई टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ये भी आपकी वायरलेस कम्युनिकेशन है. द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई इज़ वायरलेस फिडेलिटी. हाई स्पीड होती है, इसमें जो रेंज होती है वो आपकी 30 मीटर्स तक होती है. 30 मीटर मीन्स जैसे आपके घर में एक बिल्डिंग है या आपका स्कूल का एरिया है, आप वाईफाई इसमें कनेक्ट करके आप काफ़ी सारे पीसीज, फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, आपके पीसीज हो गए, प्रिंटर्स हो गए, फैक्स मशीन्स हो गए, ये सब आप कनेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वट इज़ हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट वो एक जोन होता है जहाँ पर आप वायरलेस कनेक्शन को यूज़ करते हैं और ये हाई स्पीड होता है. दैट्स जोन, दैट्स एरिया इज नोन एज हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट एयरपोर्ट्स पे आपको वाईफाई की हेल्प मिलती है, होटल्स में आपको वाईफाई की फैसिलिटी मिलती है, रेस्टोरेंट्स में मिलती है, तो वो आपके सारे हॉटस्पॉट कहलाते हैं. नेक्स्ट है ब्लूटूथ और वाईफाई में डिस्टेंस या डिफरेंसेस क्या हैं. ब्लूटूथ जो है वो शॉर्ट रेंज के लिए काम करती है और इसकी जो स्पीड होती है वो भी स्लो होती है. जो वाईफाई है वो आपका लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं और स्पीड भी इसकी ग्रेटर होती है, हाई होती है. नेक्स्ट आता है आपका वाईमैक्स टेक्नोलॉजी. इट इज़ सिमिलर टू वाईफाई. वाईफाई से बिल्कुल सिमिलर है, बट द डिफरेंस इज द डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन्स लॉन्ग रेंज वायरलेस नेटवर्किंग. इसमें जो डिस्टेंस है वो आपका 50 किलोमीटर तक जाता है. अगर आप 50 किलोमीटर्स तक आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको रेलवे स्टेशन पे ही मिलते हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट सिटी में प्रोवाइड करा देते हैं आपको इंटरनेट एक्सेस पूरे सिटी में अगर आपको, तो वो वाईफाई यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे आपका वाईमैक्स टेक्नोलॉजी यूज़ होगा. द फुल फॉर्म ऑफ वाईमैक्स टेक्नोलॉजी इज़ वर्ल्ड वाइड इंटरपोर्टेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस.
मेन डिफरेंस आपका वाईफाई में और वाईमैक्स में एक ही डिफरेंस है, द रेंज। जो वाईफाई होती है वो आपके 30 मीटर्स तक यूज़ होती है और जो वाईमैक्स है वो आपका 50 किलोमीटर्स तक यूज़ होता है। नेक्स्ट कम टू जीपीएस। जीपीएस सब जानते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आजकल हम गूगल मैप वगैरह यूज़ करते हैं टू फाइंड द लोकेशन, तो जीपीएस वही होती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपके किसी भी एरिया की लोकेशन बताती है कि वो कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो उस टाइम पे हम जीपीएस यूज़ करते हैं। 24 सैटेलाइट्स इस टाइम पे कॉन्स्टेलेशन है, मतलब ग्रुप बना रखा है 24 सैटेलाइट्स का, जो हमारी जीपीएस में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल आपका गूगल मैप्स।